साथियों, देश में बहुत सारे इस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, जो एक डर महसूस कर रहे हैं कि सरकार जो NPR करने जा रही है वो एक दिन हमसे, हमारी नागरिकता हमसे छीन सकती है। कई जगहों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि हम बेमुल्क हो जाएंगे। ये डर जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन ये डर फैल गया है। इस डर का हल ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि नागरिक कौन, अगर मैं नागरिक, मेरी नागरिकता मुझसे छीन ली जाए तो उसके बहुत सारे परिणाम हैं। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं वोट नहीं डाल सकता हूँ, मैं संपत्ति का हक नहीं रखता हूँ, सामाजिक सुरक्षा है, TDS है, पेंशन है, बहुत सारे हक हैं जो मुझसे छीन सकते हैं, और मैं एक दिन डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता हूँ। इस डर का जवाब तभी हमें मिल सकता है जब कानून में और कानून के अंतर्गत जो रूल्स हैं, जो जिसमें प्रावधान है कि एक नेशनल रजिस्टर बनेगा, उस नेशनल रजिस्टर के आधार पे इलीगल सिटीजन्स की पहचान होगी, और उन इलीगल सिटीजन्स को पहचान करने के लिए और नेशनल रजिस्टर बनाने के लिए पहला कदम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। ये कानून के रूल्स में स्पष्ट है। अब कोई घोषणा कानून से बढ़ के नहीं है। कानून बदलें तभी हमें विश्वास हो सकता है कि ये जो खतरा हमें आज जो दिख रहा है वो खतरा तब टलेगा जब आप कानून को बदलेंगे, तभी हमें ये यकीन हो सकता है, एक विश्वास हो सकता है और एक सुरक्षा हो सकती है कि आज आप नहीं करेंगे कुछ और आगे चल कर सकता है। अगर ये प्रावधान ना रहे कि एक NPR होगा, NPR के आधार पे सरकार तय करेगी कि कौन से डाउटफुल सिटीजन्स हैं, आम नागरिकों को भी हक होगा कि वो पहचान करें और डाउट रखें कि कौन डाउटफुल सिटीजन होगा, ये सारा जो रूल्स में प्रोविजन किया गया है वो जब तक विद्यमान रहेगा, ये रूल्स जब तक परिवर्तित नहीं होंगे, किसी भी इंसान को ये विश्वास करना असंभव है कि आज नहीं तो कल सरकार इसी कानून और इसी रूल्स के आधार पे मेरी नागरिकता पे सवाला निशान डाल सकता है। तो हमारा अनुरोध यही है कि ये जो वक्त पहले अप्रैल से सरकार NPR का प्रोसेस शुरू कर रही है और इसे सेंसस से जोड़ा गया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सेंसस बहुत ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए, और 150 साल से हमारे देश में सेंसस चल रहा है। सेंसस के तहत जो जानकारी नागरिक देता है वो पूर्ण रूप से गोपनीय होता है। ये कानूनी अपराध है कि उसका इस्तेमाल आप किसी और उद्देश्य से करें। तो सेंसस बहुत ज़रूरी है, हम सेंसस की को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 अप्रैल से जो सेंसस के तहत हाउस लिस्टिंग हो वो हो, और परंतु जब आपने NPR जो बहुत ज़्यादा विवादित NPR जो एक अलग कानून के तहत किया जा रहा है और जिसमें नागरिकता के सवाल और नागरिकता के खतरे शामिल हैं, NPR से सेंसस को अलग किया जाए, सेंसस को पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पूरे देश में सेंसस को चलाया जाए, और NPR सरकार क्यों कर रही है अगर NRC नहीं कर रही है, और सरकार हमें, जैसे योगेंद्र यादव जी ने कहा कि कानून और कानून के अंतर्गत जो रूल्स में जो प्रावधान है NPR में डाउटफुल सिटीजन्स के
को अंकित करने का वो प्रोविजन ही हटा लिया जाए, तभी नागरिकों को ये एक विश्वास होगा कि उन्हें इसके तहत ऐसे NPR ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक दिन उनकी नागरिकता पे सवाल उठा सकता है। तो सामाजिक न्याय, सामाजिक शांति देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, आज कोरोना वायरस की समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियां, उन सब में हम लोग मिल के उन समस्याओं से जूझें। NPR जैसे इंटायरली डिविसिव प्रोजेक्ट को अलग करके सरकार आगे बढ़े, ये मेरा